ये हुंडई अल्काज़र 1.5 डीजल टॉप वेरिएंट है। ये डीजल टॉक कन्वर्टर के साथ आता है। इसमें आपको फुल जो इसका आगे का फेस है क्रेटा से इंस्पायर्ड लगता है, पर इसमें जो एक ग्रिल दी हुई है काफ़ी मैसिव ग्रिल है। इसके अंदर क्रोम सेंस दिए हैं इसके साथ, और जैसे कि टॉप वेरिएंट है इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा में मिल जाएगा। और इसमें जो लाइट है इसमें ट्राई बीम एलईडी है, इसमें सारा आपका एलईडी सेटअप मिलता है। यहाँ से पूरी एलईडी स्ट्रिप कनेक्ट होती है, और ये फॉग लैम्प भी इसका एलईडी वाइट एलईडी के अंदर फिनिश करा हुआ है। ये कंप्लीट लुक आती है कार की दूर से। और यहाँ पे आपको सिल्वर स्क्रिप प्लेट दे देंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे भी आपको क्रोम का अच्छा काम मिला हुआ है। इस तरफ आ जाएंगे तो ये गाड़ी के 18 इंची इसके अलॉय व्हील्स हैं। इसके अंदर आपको 215 सेक्शन के टायर मिल जाएंगे, जो आपको सेम क्रेटा के अंदर मिलते हैं। इधर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टेप भी मिल जाएगा चढ़ने के लिए, पर इस कार के इतने ग्राउंड क्लियरेंस नहीं, आपको स्टेप की ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। इधर आ जाते हैं, इसमें क्रोम सिर्फ इसके ऊपर दिया हुआ है, पूरे हैंडल पे क्रोम नहीं दिया हुआ है, जो डिज़ाइन इसका सही लगता है। इधर आपको बहुत बड़े ORVM मिल जाएंगे, इसमें आपको LED इंडिकेटर का भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका नीचे 360 डिग्री का कैमरा भी आ जाएगा। इस तरफ आ जाते हैं तो ये गाड़ी की लुक हो गई। बेसिकली देखा जाए तो ये गाड़ी यहाँ के पीछे वाले दरवाजे तक क्रेटा है, उसके बाद आपको ये पूरे इंक्रीज कर दिए, जो गाड़ी की कंप्लीट लुक को बनाती है। और जैसे कि डीजल वेरिएंट है, इसके पीछे वाले व्हील्स में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। पेट्रोल आप वेरिएंट लेंगे तो उसके पीछे वाले वेरिएंट में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ये पीछे का लुक है गाड़ी का, कंप्लीट लुक आता है। ये थोड़ा सा इसका जो लुक है पीछे का एंडेवर से मेरे को इंस्पायर लगता है, जो इसकी लाइट्स हैं, पर काफ़ी बल्की लुक है इसके पीछे का, अच्छा लुक लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रॉब लैम्प आ जाएगा, और यहाँ पर आपको वो आ गया आपका शार्क फिन एंटीना। और इधर की तरफ देखें तो आपको ये इंसुलेटेड मिलता है सारा, इसमें आपको हीटिंग काम करेगी। इस तरफ आ जाते हैं तो आपको ये सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी, और इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। और नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ड्यूल टिप एग्जॉस्ट है, जो गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक देता है। पीछे से कंप्लीट लुक आ रही है गाड़ी की। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो साइड प्रोफाइल भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको ऑटो की बैजिंग मिल जाएगी, जैसे कि टॉक कन्वर्टर मॉडल है डीजल का। आ जाते हैं इंटीरियर पर, ये आपको देखिए पूरा इसका ड्राइवर डोर है। इसके अंदर आपको बोस के स्पीकर मिल जाते हैं कार के अंदर, और इसका जो डोर है काफ़ी हैवी फील होता है। बिल्ड क्वालिटी कार की अच्छी है। इधर आपको लेदर फिनिशिंग मिल जाती है, जो काफ़ी प्रीमियम लुक देती है कार को। इधर आपको ट्विटर मिल जाएंगे स्पीकर की। इस तरफ आ जाते तो ये रहा इसका स्टेयरिंग, सेम i20, और ये आपका क्रेटा में सेम स्टेयरिंग आता है। इसमें जो आपको एडिशन मिलता है क्रेटा से, फुल्ली डिजिटल है इसका स्पीडोमीटर। इसमें आप देख सकते हो आपके RPM वगैरह सब आते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैं RPM इंक्रीज़ करता हूँ, इसमें भी इंक्रीज़ होती है, यहाँ स्पीड भी आता है। और इसमें अगर आप इसको लेफ्ट का, जैसे मैं अभी राइट का इंडिकेटर देता हूँ, तो आपको राइट में दिखेगा कि आपके जो शीशे पे जो कैमरा लगा हुआ उसमें आपको दिख जाएगा कि साइड से कौन आ रहा है, तो आपको बार बार अपना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ेगा शीशे की तरफ। इसमें अगर कैमरा चलाता हूँ तो आपको इसमें कैमरे में दिख जाएगा कि पीछे कौन आ रहा है, और एज वेल एज मैं अगर इसका लेफ्ट का देता हूँ तो उसमें भी ये दिख जाएगा कि पीछे कौन आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है, और कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी हुई है हुंडई में, हुंडई ने इसमें इसके इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे काफ़ी अच्छा दिया हुआ है हुंडई ने। इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, जो इसमें आपको काफ़ी अच्छा इसमें फील मिलेगा। जैसे रेडियो आपको आवाज़ सुना देता हूँ, इसके रेडियो की 95 काफ़ी अच्छी रेडियो दिया हुआ हुंडई ने इसमें। और आपको देख सकते हैं यहाँ पे बटन कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं, कि आप बटन से भी कंट्रोल कर सकते हो, कि हर वक्त ड्राइवर कार चलाते वक्त इसमें टच स्क्रीन को यूज़ नहीं कर पाता, तो बटन भी दिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है इसमें। आप जैसे होम पे जाते हो तो टच काफ़ी स्मूथ है, जो पहले कार्स में आपको थोड़ा लैगी सा टच मिलता था, इसमें वो नहीं है, काफ़ी अच्छा टच है। सेटिंग वगैरह खोलते हो तो काफ़ी अच्छा टच है। इस तरफ आ जाते हैं, आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, इसमें आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो, अपना सिगरेट लाइटर लगा सकते हो, और आपको USB चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरफ आ जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो इसका इसमें आपको शिफ्टर मिल जाएगा, और इसमें आपको टेरिंग चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अभी ये इको पे है, इसे फिर मैं स्पोर्ट्स पे कर सकता हूँ और कम्फर्ट पे कर सकता हूँ। तो तीनों, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप स्पोर्ट्स पे कर लो, अगर आपको थोड़ी माइलेज चाहिए तो इको पे कर लो, अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप इसे कंफर्ट पे चला सकते हो रेगुलर ट्रैफिक में। और इस तरफ आ जाते हैं तो इसका एक कैमरा मैं आपको 360 कैमरा दिखाता हूँ। ये देखिए इसका 360 कैमरा, देखिए क्लैरिटी आपको कैमरा में इतनी फोकस नहीं लग रही होगी, पर इसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, आपको सारा कुछ यहाँ पर दिख सकता है आराम से। जैसे कि आप इसका पूरा व्यू ले सकते हो यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हो कार के आगे जैसे सर्कल्स बने हुए हैं इस रोड पर, ये सर्कल असलियत में बने हुए हैं, तो ये इसमें पूरे में शो कर रहा है, साथ का पाथ भी शो कर रहा है, पीछे का कैमरा है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो इसका व्यू, ये व्यू भी देखो आपको साइड व्यू आ गया, यहाँ से ब्राइटनेस आप इसकी कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से,
अरे पीछे का व्यू आ गया, इसमें आपको तीन चार सेटिंग मिल जाती है, जैसे कार के पीछे की आ गई, अगर मैं कार बैक करूंगा तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कितना है, ये सब कार बैक होनी शुरू हो गई है, तो इसमें मेरे को सारा दिख रहा है कि कार कहाँ पे जा रही है। अब इस तरफ आ जाते हैं इसके एयर प्योरीफायर में, तो एयर प्योरीफायर इसका बेसिकली इंडिया में तो कुछ इसका एज सच यूज़ नहीं है, कार के मेंटेनेंस को इंक्रीज करता है, पर Hyundai ने फीचर दिया है तो कार में सही है। ये भी इसका काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिल जाती है, इसके अंदर दो आपको यहाँ पे कप होल्डर मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरेज है, और यहाँ पे पियानो फिनिशिंग मिल जाती है, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील होएगा गाड़ी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है तो इसमें जब भी आप सीट बेल्ट लगा के रेस देंगे गाड़ी में तो अपने आप हट जाएगा, वरना ही लगा रहेगा, जिसे आप यहाँ से हटा भी सकते हैं और ऑटो होल्ड पर भी हल सकते हैं। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी फीचर मिल जाएगा, यहाँ से आप इसका ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल इनेबल कर सकते हो, जैसे इसके इंफोटेमर में आ जाता है। इस तरफ आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे चॉकलेट कलर का, आपको यहाँ पे पूरा लेदर का फिनिश मिलेगा जो काफी प्रीमियम लगता है। इस तरफ आ जाते हैं इसके ग्लव बॉक्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, अगर आप इसमें अंदर कोई कूल बेवरेज रखते हो तो थोड़ी बहुत देर के लिए इसमें कूल्ड ही रहेगी। यहाँ पे आपको एसी का इनलेट दिया हुआ है जहाँ से आपको थोड़ी इसमें कूलिंग रहती है। यहाँ पे भी आपको बोस के स्पीकर की बैजिंग मिल जाएगी, आयर वायर मिल जाएगा, आपको SOS का फीचर मिल जाएगा, अगर आपकी गाड़ी थोड़ी चलने की कंडीशन में नहीं है तो आप इसे प्रेस करके आप इसको टोइंग वैन को बुला सकते हो। यहाँ पे आपको ब्लू लिंक का फीचर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ORVM है। इसमें आपको व्हाइट LED मिल जाएगी जो काफ़ी अच्छी इनकी रोशनी है। इस तरफ आ जाता है आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, इस तरफ आ जाता है आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, और इस तरफ आपको इसमें ग्लास मिलेगा पर इसमें कोई लाइट नहीं है। और इस तरफ आ जाते हैं तो आपकी पूरी मैसिव इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे मैं इसे खोलता हूँ तो पूरी की पूरी सनरूफ यहाँ से दिखेगी आपको, काफ़ी बड़ी सनरूफ दी है Hyundai ने इसमें, तो कंप्लीट कार को बहुत एरी सा बना। साइड पर आ जाते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी आपको स्पीड स्पेस मिल जाएगी, 6-सीटर वेरियंट है तो आपको यहाँ पे हैंडरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सीट नहीं मिलती है, कैप्टन सीट्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर के साथ दो कप होल्डर भी मिल जाएंगे। इस तरफ आ जाते हैं आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे जो मतलब अच्छी इनमें से सही हवा आ जाती है, कार को कूल कर देते हैं। इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग का स्लॉट आ जाता है। इस तरफ आ जाते हैं तो कार का थोड़ा कैप्टन सीट बनाने के लिए यहाँ पे आपको ट्रे भी मिल रखी है, यहाँ पे आप अपना लैपटॉप वगैरह, आपका छोटा लैपटॉप है तो छोटा लैपटॉप आ जाएगा, और आपको थोड़ा बेवरेजेस इंजॉय करने तो वो आ जाएंगे। इस तरफ देख सकते हैं आप इसमें व्हाइट कलर की LED दी हुई है जो काफ़ी अच्छी है, रीडिंग लैंप है, यहाँ पे आप रख के काम भी कर सकते हैं। इस तरफ आ जाते हैं तो आपको ब्लू कलर की आपको दिख रही होगी एम्बिएंट लाइटिंग दी हुई है इसमें, तो काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है। इस तरफ आ जाते हैं तो आपको सनशेड होल्डर दिए रखे हैं, ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको सेम जो आपके Hyundai में क्रेटा में आता है वही वाला इसमें दिया हुआ है, सेम एज वेल एज आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे पीछे भी दो सीट्स मिल जाएंगी, एक सीट फोल्ड है, तो ये चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, मतलब इसमें इतनी स्पेस नहीं है कि आप बड़ा कोई अडल्ट बिठा सको, तो सही स्पेस दी हुई है यहाँ पे आपको। वहाँ पे पीछे भी बोस के स्पीकर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट भी है, और इस तरह आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी AC कंट्रोल करने का मिल जाता है, और चार्जिंग स्लॉट दोनों तरफ दिए हुए हैं। यहाँ पे AC वेंट दिया हुआ है पीछे वाले पैसेंजर के लिए, तो काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है यहाँ पे।